तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें 250 यूनियंस अंडर किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर दिल्ली में मार्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये प्रोटेस्ट और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट से। तो सबसे पहले की प्लेयर्स एंड बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये प्रोटेस्ट 250 फार्मर यूनियन इंक्लूडिंग नॉन पॉलिटिकल संयुक्त किसान मोर्चा एंड किसान मजदूर मोर्चा द्वारा शुरू किया गया है। तो जानते हैं कि क्या कुछ डिमांड्स हैं फार्मर्स की जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो नंबर वन, लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP। तो फार्मर्स एक लॉ लाने की बात कर रहे हैं जो कि इंश्योर करे सभी क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमीशन। दूसरा है डेट वेवियर, तो फार्मर्स के ऊपर डेट का बर्डन न हो इसलिए पूरा डेट माफ किया जाए। नंबर थ्री, लैंड एक्विजिशन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो फार्मर्स की डिमांड है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2023 लाया जाए जिसके तहत जब भी कोई फार्मर की कोई लैंड एक्वायर की जाती है तो उसे कंपेंसेट किया 4 times ऑफ द रेट ऑफ लैंड। नंबर फोर, जस्टिस फॉर विक्टिम। तो लखीमपुर खीरी में जो किलिंग हुई थी उसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनको पनिशमेंट दी जाए और कंपेंसेट किया जाए जो भी फैमिलीज अफेक्ट हुई है लखीमपुर खीरी किलिंग से। नंबर फाइव, ट्रेड पॉलिसीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की पॉलिसीज को हटाया जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाया जाए फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर सिक्स, सोशल सिक्योरिटी। तो फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स के लिए एक नई पेंशन स्कीम शुरू की जाए उनके सोशल वेलफेयर के लिए। नंबर सेवन, वर्कर्स राइट। तो पिछला जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था जिन जिन फार्मर्स को उससे नुकसान हुआ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन सभी को कंपनसेट किया जाए और उनकी फैमिलीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। नंबर एट, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। मनरेगा को और इन्हेंस किया जाए जिसमें 200 डे एम्प्लॉयमेंट पर ईयर और हाई डेली वेजेस फॉर फार्मर्स इंक्लूड की जाए। नंबर नाइन है कैंसिलिंग द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एंड चेंजेस किया जाए फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड नंबर टेन है क्वालिटी कंट्रोल। कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए जो कि खराब एग्रीकल्चरल मशीन्स मैन्युफैक्चर कर और एक नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये मेजर 10 डिमांड रखी गई और इसीलिए फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। और भी करंट डेवलपमेंट की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ने फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है और जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जाने तो फार्मर का प्रोटेस्ट दिल्ली चलो के नाम से इसलिए हो रहा है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए और फार्मर्स की प्रोडक्शन को लेकर ध्यान दिया जाए और इंडिया की रूरल लाइवलीहुड को बेटर बनाया जा सके। आपके क्या विचार हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।